रेस्टोरेंट स्टाइल बटर चिकन की रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही सिंपल स्टेप्स के साथ इसे हम बनाएंगे। पहले तो चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। यहाँ पे 250 ग्राम चिकन मैंने ले लिया। इसमें हम डालेंगे एक बड़ा चम्मच दही। दही को ऐसे 10 मिनट के लिए छन्ने के ऊपर रख लें ताकि इसके अंदर का पानी पूरी तरीके से हट जाए। नेक्स्ट इसमें कलर के लिए डालेंगे कश्मीरी रेड मिर्ची पाउडर। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल लें। नेक्स्ट डालते हैं नमक और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। करीब करीब एक बड़ा चम्मच मैंने यहाँ तेल ऐड कर लिया, जिसकी वजह से टिक्का जो है बहुत मॉइस्ट बनता है। जिंजर गार्लिक पेस्ट और इन सारी चीज़ों को अच्छे से चिकन के ऊपर रब कर लेंगे। बहुत बेसिक मसालों के साथ ये टिक्का हम बनाएंगे। आप चाहे तो चिकन को मैरिनेट करके रख सकते हैं या फिर ऐसे ही तुरंत बना सकते हैं, तो इसे साइड में रख लेते हैं। अब सेकेंड स्टेप, इसका मसाला रेडी करेंगे। इसमें डालते हैं 1 टेबलस्पून ऑयल और आधा छोटा चम्मच बटर। इन दोनों को अच्छे से गर्म होने देते हैं। तब तक कुछ खड़े मसाले चुन लेते हैं। यहाँ पे ऐसे प्लास्टिक के डब्बे में रखती हूँ मैं सारे मसाले, क्योंकि ये बहुत ही कम यूज़ होते हैं। तो ऐसे डब्बे में रख के इसे अगर आप फ्रीज़र में रखते हैं तो लंबे समय तक ये चल जाते हैं। तो यहाँ पे सारे मसाले मैंने चुन लिए। मसालों में मैंने यहाँ पे ले लिया दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च, लौंग, कुछ सूखी मिर्चें, तेज पत्ता और 4 से 5 काजू के टुकड़े। इन सभी को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। बहुत गोल्डन ब्राउन हमने इसे भूनना नहीं है, बस हल्के से तेल में हम इसे गर्म करेंगे। अब डालते हैं कुछ ताज़े मसाले। तो इसमें मैंने लिया एक लाल बड़ा टमाटर, जिसके बीज मैंने हटा लिए, एक बड़ी प्याज, 4 से 5 लहसुन की कलियाँ और 1 इंच का अदरक। इन सभी को तेल में डाल के हमने इसे अच्छे से गलाना है। इसे गोल्डन ब्राउन हम फ्राई नहीं करेंगे, इसे हमने पकाना है। तो थोड़ा सा चलाने के बाद इसे हम ढक देंगे और 2 से 3 मिनट के बाद आप देख पाएंगे कि ये मसाले हमारे अच्छे से गल चुके हैं, यानी पक चुके हैं। टमाटर की स्किन आप देख सकते हैं लूज़ हो चुकी है। हमने इसे ऐसे ही रेडी करना है। इन्हें हमने एकदम सॉफ्ट रखना है ताकि हमारी ग्रेवी जो है सिल्की स्मूथ बने। इसी स्टेज में गैस को बंद कर लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, नमक, कसूरी मेथी और आधा छोटा चम्मच चीनी। ध्यान रखें कि हमने टिक्की में भी कश्मीरी रेड मिर्ची पाउडर का यूज़ किया है, साथ ही में कुछ सूखे मिर्चें भी हमने इसमें ऐड करी है, तो उस हिसाब से हमने रेड मिर्ची पाउडर का यूज़ करना है। यहाँ पे कढ़ाई और ये मसाले हमारे अच्छे से गर्म ही थे, तो इसी में हमारे ये सूखे पाउडर मसाले अच्छे से भुने जाते हैं। अब मसाले को निकाल लेते हैं और इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे। तीसरे स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि है टिक्का को रेडी करना। तो उसी कढ़ाई में थोड़ा सा डालेंगे बटर और जो मैरिनेट किया हुआ चिकन था उसके सारे पीसेस उठा के हम इस कढ़ाई में अच्छे से सेट कर लेंगे। अब गैस की फ्लेम तेज रखेंगे और कढ़ाई को ऐसे हिलाते हुए चिकन के पीसेस को चारों ओर से अच्छे से आंच लगने देंगे, ताकि इसकी वजह से चिकन के ऊपर बहुत ही अच्छे से ग्रिल मास आएंगे। और लगभग 4 से 5 मिनट हमने इसे अच्छे से पका लेना है। 4 से 5 मिनट के बाद आप देख पाएंगे चिकन के ऊपर बहुत अच्छे से ग्रिल मास आ चुके हैं। इन सारे पीसेस को अब उल्टा कर लेंगे दूसरी तरफ से भी। चिकन के पीसेस को हमने अच्छे से ग्रिल करना है। जब तक कि ये ग्रिल होता है, हमारा जो मसाला हमने रेडी कर रखा था वो भी काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है, तो उसे हम पीस लेते हैं। उसे पीसते वक्त हम थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे इसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए, और इसे एकदम स्मूथ बैटर की तरह पीस लेंगे। तो ये सिल्की सॉफ्ट मसाला हमारा तैयार है। अब चलते टिक्के की ओर। तो टिक्का भी दूसरी तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो चिकन के सारे पीसेस को हम निकाल लेंगे और इसी कढ़ाई को, ये जो थोड़ा सा नीचे चिपका हुआ है, इसे अच्छे से साफ़ कर लेंगे और इसी में हम ग्रेवी बनाएंगे। अब चलते हैं रेसिपी की फाइनल स्टेप की ओर, जो कि है ग्रेवी बनाना। तो सबसे पहले कुकिंग ऑयल और बटर को गर्म कर लेंगे और बनाए हुए मसाले को एक छन्नी की मदद से छान के इसमें ऐड करेंगे। अगर किचन में आप नए हो, यानी कढ़ाई में डायरेक्टली आप इसे ना छाने बल्कि एक बर्तन में इसे अच्छे से छान ले और इसके बाद इसे तेल में ऐड कर ले। इसे छानने के बाद आप देख पाएंगे मिर्ची के बीजे, अदरक के कुछ रेशे,
ऐसी सारी दरदरी चीज़ें इससे बाहर होती है और आपकी ग्रेवी को एक स्मूथ टेक्सचर मिलता है। मसाला अच्छे से गर्म हो चुका है तो बारी आती है इसमें टिक्की को ऐड करने की, और इसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के इसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे और 10 से 12 मिनट के लिए इसे ढक के हम पकने देंगे। मीडियम से धीमी आंच में पकने की वजह से चिकन के अंदर के सारे फ्लेवर्स ग्रेवी में उतर आते हैं। इसे खोल के एक बार अच्छे से चला लेंगे और गैस की फ्लेम धीमी करके इसमें हम मिलाएंगे क्रीम। क्रीम डालने के बाद इसे थोड़ा सा हम चला लेंगे ताकि क्रीम ग्रेवी के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। नेक्स्ट डालते हैं थोड़ा सा बटर, इसे भी ग्रेवी के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसे एकदम धीमी आंच में 3 से 4 मिनट के लिए यूं ही पकने देंगे ताकि इसका जो कलर है बहुत अच्छे से सेट हो जाए। इसे ढकेंगे नहीं, ढकने की वजह से इसके अंदर का जो कलर है वो अच्छे से सेट नहीं हो पाता। खुले में इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे तो ये तैयार है। ऊपर से डालते हैं थोड़ा सा बटर, फिर से थोड़े से क्रीम, भुनी हुई कसूरी मेथी, और इसके बाद ये रेडी हो चुका है। गैस की फ्लेम बंद कर लेंगे और गर्मा गर्म राइस, रोटी या फिर नान के साथ इसे आप सर्व कर सकते हैं। तो आज की ये सिंपल स्टेप के साथ बनी हुई बटर चिकन की रेसिपी आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर नॉनवेज खाने के आप शौकीन हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।